So this is the revision of the chapter Plantae Kingdom. That is the third chapter, Kingdom Plantae or Plantae Kingdom. So this is the Kingdom Plantae, which is as per the R.H. Whitaker's classification that we have already discussed in the revision part of the biological classification, that this is the fourth kingdom. Okay, this is the fourth kingdom by the R.H. Whitaker's classification. This is the fourth kingdom. So being a fourth kingdom, this is much advanced than the previous ones. Previous ones are Monera, then Protista, uske baad Fungi, and now the fourth, that is a Kingdom Plantae. After this is Kingdom Animalia, which will be still advanced than this. Okay? Actually, क्या है कि जितनी classification रखी गई है वो सारी classification इस basis पे लगाई गई, groups इस basis पे किए गए आगे आगे कि advancement नजर आ. Advancement means कि जो फीचर्स है मॉडिफिकेशन में वो नजर आए. ठीक है, तो मॉडिफाइड फीचर्स मॉडिफिकेशंस आपकी जो उस हिसाब से जब आप पढ़ते हैं तो मोनेरन्स आर द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स बीइंग प्रोकैरियोटिक. देन एनिमेलिया मेंबर्स, दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बीइंग मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड कॉम्प्लेक्सिटी में कॉर्डेट जो है वो सबसे ज्यादा है एनिमेलिया में. लेकिन जब हम करेंगे तब आपको ये पता लगेगा. ठीक है, सो फिलहाल के लिए दिस इज द फोर्थ किंगडम. सो इट इज मच मच कॉम्प्लेक्स दैन द प्रीवियस थ्री and still less complex than the next fifth jo hamara kingdom hai, kingdom animalia. theek hai, so isme humne padha that the kingdom plantae that has certain special characteristics as we have already discussed through the hierarchy of classification, that there are certain of the hierarchy mein kya hai levels hain, seven obligatory levels hain which starts from the kingdom ends up to the species, seven obligatory categories. किंगडम इज द फर्स्ट. और यहाँ पे हमने ये भी बोला था कि नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स, स्पेसिफिक करेक्टर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं. ठीक है, सिमिलैरिटीज जो है करेक्टर्स के अंदर वो डिक्रीज होती जाएंगी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे. द लेसर द कॉमन करेक्टर्स आर देयर इन किंगडम एंड मोर विल बी देयर इन द मोर विल बी द नंबर ऑफ करेक्टर्स, सॉरी नॉट द कॉमन बट द नंबर ऑफ करेक्टर्स विल बी मोर इन द स्पीशी. ठीक है, तो स्पीशी में नंबर ऑफ करेक्टर्स ज्यादा होगा. किंगडम में जो आपको कॉमन करेक्टर्स नजर आएंगे वो कम नजर आएंगे. ठीक है, तो वो कॉमन करेक्टर्स हैं क्या यहाँ पे किंगडम प्लांटे में है क्या? जब हम बोलें तो सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, जो विटेकर ने बोला था. ठीक है, सो पहले तो हमारे कॉमन करेक्टर्स क्या हैं? दीज आर यूकैरियोट्स, दीज आर मल्टीसेलुलर, दीज शो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम प्लांटी, दे शो द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हैं ये सारे बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड in the presence of sunlight. They are green in color, a few exceptions being yellow in color. So few exceptions are still there, but autotrophic mode of nutrition is also shown by them. Eukaryotic hota hai, multicellular hota hai, autotrophs hote hain, aur plus inki jo cell wall hai, chlorophyll present rahega inke andar sab mein. Cell wall jo hai that is majorly made up of the cellulose, but extra chemicals can also be shown as the presence of those extra chemicals can also be there in the members. ठीक है, सो दीज आर वेरी फ्यू कॉमन करेक्टर्स विच इज शेयर बाय द किंगडम प्लांटे. फर्दर बिकॉज ऑफ द डिसिमिलैरिटी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स अमंग द मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स जो है वो सारे सिमिलर नहीं थे, सब में ऐसा ही सिर्फ फीचर नहीं था. जितना बड़ा ये किंगडम प्लांटे है, नियरली वी टॉक अबाउट देर आर नियरली 2 million ऑफ द स्पीशीज ऑफ द प्लांटे आर देयर, 1.5 to 2 million आर द स्पीशीज ऑफ प्लांटे. सो इतनी मिलियन स्पीशीज है, 2 million स्पीशीज है, तो सब में सिर्फ यही फीचर तो होंगे नहीं, ना ही सब में सारे के सारे सिमिलर होने वाले. तो जो जो यहाँ पे डिसिमिलर फीचर्स आए उसकी वजह से आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया एंड दिस किंगडम प्लांटे वाज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 5 divisions. व्हाट वर द 5 divisions? दैट आर नंबर 1, दिस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द 5 ऑफ द डिविजन्स. व्हाट आर दोज 5 divisions? फर्स्ट इज थैलोफाइटा. द फर्स्ट डिविजन इज थैलो फाइटा. सेकेंड इज ब्रायोफाइटा. थर्ड इज टेरिडोफाइटा. फोर्थ इज जिम्नोस्पर्मी एंड द लास्ट फिफ्थ इज एंजियोस्पर्मी. जिम्नोस्पर्मी, आई टोल्ड यू इन योर बुक दैट इज वेयर द टैक्सोनॉमी हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आई गेस. तो वहां पे आपको टर्म्स दी गई हैं, व्हाट सुफिक्स विल बी यूज्ड फॉर अ फैमिली, व्हाट सुफिक्स इज यूज्ड फॉर अ क्लास,
और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो कॉमन सुफिक्सेस या प्रीफिक्सेस अगर हैं, प्रीफिक्सेस नहीं होते वैसे सुफिक्स होते हैं. सुफिक्स मीन्स जैसे मैंने वहां पे लगाया ई ए ई है ना. सो ये कुछ सुफिक्सेस होते हैं जो स्पेशल होते हैं और जो स्पेसिफाइड होते हैं, जिनको हम स्पेशल जगहों पे स्पेशल हायरार्की में ही यूज करते हैं. ठीक है, सो वो आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया गया है. इफ यू विल बी रीडिंग थ्रू यू विल गेट इट राइट. स्टार्टिंग विद दीज फाइव ऑफ द divisions. Now if you place these five divisions as per their order of modification, you will see thallophyta are the least advanced among this plantae members. Thallophyta kya hai, wo least advanced. Angiospermy sabse zyada advanced. Matlab kya hai kehne ka, ki as you go from the thallophyta to angiosperms, the advancement of the features that increases, the complexity also increases and the characteristics advancement also increases. ठीक है, सो हमने इनको याद भी इस तरह से ही करना है कि किस में कौन सा करेक्टर अभी है और किस में कौन सा करेक्टर बाद में मॉडिफाई होके आएगा. दूसरी चीज आपने जो ध्यान में रखनी है, किसी भी एक ग्रुप को आप स्टडी करोगे तो उसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको, दैट आर द लोअर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द हायर ऑर्गेनिज्म. किसी भी ग्रुप में अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे, यू विल गेट द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लोअर एंड हायर, है ना. That is on the basis of the advancement of the features. So, agar lower wale members ki hum baat karein, they will have the characters near to the previous group. Higher members have the character near to the next group. Matlab kya hai? Ki yahan se jab advancement hui thallophyta se, to uske characters, kuch characters yahan bhi nazar aayenge. Kyunki wo advance ho rahe hain, hue nahi hai puri tarah se. Puri tarah se advancement isme aa gayi, lekin jo wo advancement aayi, वहां के आगे फर्दर कनेक्टेड होंगे करेक्टर्स. ठीक है, वो एडवांसमेंट क्यों आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्दर करेक्टर्स स्टेरिडोफाइटा में. ठीक है, सो ये क्या है, दीज आर एक्चुअली द करेक्टरिस्टिक्स दैट विच वी नीड टू स्टडी इन कोरिलेशन टू वन अनदर. अगर आप ये इस तरह से रट्टा मारेंगे, इसमें सिंपल आप लोग रोट लर्निंग कर रहे हो, किसके ये फीचर है, वो फीचर है, तो आपको शायद इसमें बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा. अभी तक के लिए किंगडम प्लांटे है, यहाँ तीन छोटे किंगडम्स आपने पढ़े हैं, लेकिन नेक्स्ट आपको किंगडम एनिमेलिया भी आएगा, तो दिस हैबिट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दैट. ठीक है, अगेन द सेम, यू विल बी मैचिंग द करेक्टर्स कि अब इसमें क्या एडवांस हुआ है, इसमें क्या एडवांस हुआ है, पिछले वाले से इसमें क्या एडवांस हुआ है. उसी तरह से हम रिविजन भी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह से याद करना है इसको. सो दिस इज नंबर वन, थैलोफाइटा. द नेम हैज बीन गिवन बिकॉज ऑफ इट्स मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, that is thallus like organization. thallus like organization ki wajah se isko ye naam mila, thallophyta. theek hai, thallus like organization, that of thallophyta. the thallophyta members, because they do not show any differentiation for the formation of the stem, root as well as the leaves, so there is no differentiation for the formation of the stem, root and leaves. ठीक है, स्टेम रूट लीफ नहीं बना यहाँ पे, सिर्फ थैलिस के जैसा स्ट्रक्चर है. थैलिस क्या होता है, एक राउंडेड सा इस तरह से इरेगुलर शेप, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इरेगुलर है, और इसके ऊपर ग्रीनिश कलर, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसका ये मेंबर प्लांटे का है, एंड हेंस इट इज ऑटोट्रॉफिक. सो इट इज द लीस्ट यू कैन से मॉडिफाइड टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर द किंगडम प्लांट. द कॉमन नेम गिवन टू द मेंबर्स ऑफ थैलोफाइटा इज एल्गी. Algae is a member, common name given to all the members. ठीक है, along with this, thallophyta members autotrophic होते हैं, eukaryotic हैं, multicellular हैं, ये तो सारे common features हैं ही हैं इसके साथ. Plus यहाँ पे differentiation नहीं है, तो vascular tissue जैसा tissue भी यहाँ पे available नहीं है. ठीक है, vascular tissue भी तो तभी बनेगा ना जब ही root stem बनेगा, तो transportation में help चाहिए है, तो वहां पे vascular tissue बनेगा, तो अभी तक वो भी नहीं है. ठीक है, so this is thallophyta, only having the thallus like organization. यहाँ नो डिफरेंशिएशन से रूट स्टेम लीफ नहीं बना, पर अब वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया ब्रायोफाइटा के लोअर मेंबर्स में, हायर नहीं, लोअर में. लोअर में एक क्या ये एडवांसमेंट कि यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होने शुरू हो गए. रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, दे आर कॉल्ड एज राइजोइड्स. फ्रॉम द बेस ऑफ दिस थैलस, थैलस के ये इस तरह से अगर बेस है, तो यहां से इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए. सो दीज आर कॉल्ड एज अ राइजोइड्स इन द लोअर मेंबर्स. इन स्टिल हायर जब आप देखेंगे फनेरिया जैसे जो मेंबर्स हैं, उनमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि
स्टेम का जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि अब मैंने क्या बोला था यहाँ बन जाने, अगले में बन जाएंगे, यहाँ पे शुरुआत हुई है, यहाँ पे थे ही नहीं, कनेक्शन बना ना, नहीं था, अब आ गया, फिर अगले में पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, यहाँ शुरुआत हो गया, रूट के जैसा बन गया, स्टेम के जैसा बन गया, ठीक है। सो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आ गया, स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज स्केली लीव्स भी बन गए इसके अंदर, तो ये उसके कुछ हायर मेंबर्स में, फनेरिया जैसे मेंबर्स में, ठीक है, क्लियर। बट स्टिल यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत स्मॉल इन साइज है। जो ऑर्गेनिज्म ने मॉडिफिकेशन दिखाया, स्पोरोफाइट बनाया, गेमेटोफाइट बनाया, तो उनका स्टॉक भी बहुत छोटा था इस थैलस के ऊपर, वेरी माइन्यूट स्टॉक्स वर अवेलेबल, जिसको अभी भी वेस्कुलर टिश्यू की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सो इसलिए ब्रायोफाइट्स में भी अभी भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं आया, बट डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो गई है, यहाँ नो डिफरेंशिएशन, यहाँ शुरुआत हो गई है, कंप्लीट टेराडोफाइटा में होगी, रूट का जैसा, स्टेम के जैसा और लीफ के जैसा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हो गए। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटे बिकॉज दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल यूजिंग लैंड एंड वाटर बोथ। ऑल्सो देयर टू फॉर्म्स ऑफ द लाइफ साइकिल, दैट इज द प्लांट्स की एक एक स्पीशी की जो दो फॉर्म्स हैं वो दोनों में एग्जिस्ट करती हैं, एक ही प्लांट की लाइफ साइकिल की दो फॉर्म्स हैं, वो दोनों एक सॉरी दोनों अलग अलग हैबिटेट्स में एग्जिस्ट करती हैं एक ही लाइफ साइकिल, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट टेराडोफाइटा, सो अब टेराडोफाइट्स में क्या आएगा, टेराडोफाइट्स आर स्टिल एडवांस्ड देन द ब्रायोफाइट्स। दूसरी चीज, टेराडोफाइटा में आपने देखा तो ये एक ऐसा ग्रुप है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला ग्रुप है पूरी तरह से, यहां तक के प्लांट्स बिल्कुल अजीब अलग से नजर आ रहे हैं, पर अब असली प्लांट नजर आएगा जो प्लांट के जैसा दिखता है, जैसा आपने देखा है, ठीक है। स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होता है, फिर उसके बाद फ्लावर बर्ड्स वगैरह बनेंगे, तो वो एंड में जाके बनेंगे, तो ऐसा एक ओरिजिनल टाइप ऑफ फ्लावर सॉरी प्लांट जो नजर आया वो टेराडोफाइटा में से शुरू हो गया। सो प्रॉपर यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गई, स्टेम बन गई, रूट बन गया, लीव्स भी आ गए। अब क्योंकि जिम्नो का फीचर है कि इसके अंदर कोन्स होती हैं, एनजीओ का फीचर है कि इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, पैक्ड जो फ्रूट सीड्स जो होती हैं वो पैक्ड होती, सीड्स जो होती हैं वो पैक्ड होती है फ्रूट वॉल में, यहाँ पे सीड्स होती हैं पर पैक्ड नहीं होती। यहाँ पे वही वाला स्ट्रक्चर शुरू होगा, जैसे यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पूरी तरह से बन गया, अब इसमें कोन्स प्रेजेंट होंगी ना, तो वो यहाँ पे शुरू होंगी विद द स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट आर द कोन लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ऑर्गेनाइज। दिस टेराडोफाइटा मेंबर्स दे ऑल्सो शो, व्हाट इज दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फर्स्टली, इट इज स्ट्रॉबिलस, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज अ स्ट्रॉबिलस, ठीक है। स्ट्रॉबिलस इज अ कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू आ गया, वेस्कुलर टिश्यू के साथ साथ यहाँ पे स्टील सिस्टम शुरू हो गया। स्टील सिस्टम इज अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम, फ्लोएम, पिथ, ऑल द टिश्यूज एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। उसका एक पैटर्न्स, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो हम पढ़ते हैं, तो दैट इज अ स्टील सिस्टम। अब स्टील सिस्टम में भी हमारे पास आगे फर्दर यही मेंबर्स ने हेट्रोस्पोरी को एक नया लुक जो है वो प्रोवाइड किया, हेट्रोस्पोरी एक नया करेक्टर यहाँ पे एसोसिएट हुआ। What was that heterospory? Hetero means different, different kind of the spores. क्यों? क्योंकि फ्लावर में आप पढ़ चुके ऑलरेडी कि यहाँ पे दो तरह के अलग अलग स्पोर्स बनते हैं, दैट इज अ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट, अलग अलग बनते हैं। उनके नाम भी यहाँ से ही देने शुरू हो गए थे, मेगा एंड द माइक्रो, मेगा स्पोर्स फीमेल, माइक्रो स्पोर्स मेल, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना ना स्ट्रॉबिलस, इसके अंदर मेगा स्पोरोफिल, उसकी एक्सेल में मेगा स्पोरेंजियम, उसके अंदर मेगा स्पोर्स, ठीक है, समझ आ गया। सो दिस इज, ये सारा हमारे पास न्यू फीचर्स आए, एडवांसमेंट्स आई, एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज में टेराडोफाइटा का एक अपना नाम है, दैट इज बिकॉज दिस हैज क्रिएटेड अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स। दिस इज द ओनली ग्रुप विच इज इन्वॉल्व इन द मिडल, इसलिए ये मिडल में भी है, ठीक है, क्योंकि इसने टोटल न्यू चीजें हमारे पास प्रोवाइड करी थ्रू दिस पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टेराडोफाइटा। फर्दर इनकी क्लासिफिकेशंस में नहीं है, आपको किसी की भी आगे नाम तक नहीं दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स का दिया है। टेराडोफाइटा में चार ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, साइलोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, ये आपको दिए हुए हैं, इफ यू विल सी लाइकोप्सिडा। सो ये क्या है, दीज आर द फोर नेम्स ओनली गिवन, बट नो फर्दर डिस्क्रिप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो वो नाम हो सकता है ग्रुप्स में आपसे पूछ लिया जाए एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू टेराडोफाइटा, या पिक द ऑड वन आउट, कुछ ऐसा है ना। तो ऐसा करके आपको यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दोस क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट इज जिम्नो, यहाँ पे क्योंकि अब बाकी तो फिक्स हो गया ना, ये तो एक एडवांस फीचर आ गया, स्टेम रूट लीफ तो अब रहेगा ही रहेगा,
स्टेम और एडवांस हो गई, ट्री बन गई। जितने एवरग्रीन ट्रीज हैं आपको दिखते हैं, नॉन फ्लावरिंग है, जिन पे फ्लावर्स ना लगे हों, क्योंकि फ्लावर का बनना वॉज द मोस्ट एडवांस फीचर इन प्लांट्स। सो नॉन फ्लावरिंग हो, एवरग्रीन हो, ट्रीज हो, तो वो जिन्नू है, ठीक है, हमारे लिए ये करेक्टर्स हैं। प्लस रूट स्टेम लीफ प्रॉपर फाउंड, राइट, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स अब बन गए, प्रॉपर कोन्स, कोन्स मेल और फीमेल दो तरह के कोन्स अलग अलग नजर आ रहे हैं, जिनमें इनके सीड्स जो हैं वो पैक्ड रहते हैं। मेल कोन में देयर इज अ माइक्रोस्पोर्स एंड इन द फीमेल कोन देयर आर द मेगास्पोर्स विच आर पैक्ड, ठीक है। हेटरोस्पोरी बरकरार है, मेल एंड फीमेल, अब तो उनको ऑर्गन्स ही अलग अलग मिल गए, अब तो उनके पास कोन्स भी अलग अलग बन गई। हेटरोस्पोरी शुरुआत यहाँ हुई, लेकिन अब प्रोमिनेंट फीचर्स नजर आ रहे हैं इन द नेक्स्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्मी, दीज वर द मेंबर्स विद डिप्लॉयड नेचर, एनजियो डिप्लॉयड, ट्रीडो डिप्लॉयड, ब्रायोफाइटा वर हैप्लॉयड एंड थैलोफाइटा वर हैप्लॉयड, ठीक है। एनजियोस्पर्मी, एनजियोस्पर्म मेंबर्स क्या है, इन द एनजियोस्पर्मी ग्रुप देयर इज द प्रेजेंस और द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज अ फ्लावर। आज की डेट में आप जितना ज्यादा प्लांट अगर कोई देखेंगे तो दैट इज ओनली द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड एज वेल एज मोस्टली फाउंड अमंग द ग्रुप्स ऑफ द किंगडम प्लांटे, ऑल्सो बिकॉज दीज आर बिगर, दीज आर लार्जर इन देयर साइजेस, सो वी कैन लोकेट देम इजीली। ऑल्सो फ्लावर्स दे अट्रैक्ट देयर व्यूअर्स, है ना, तो राह चलते भी आप लोगों को फ्लावर्स जो है वो नजर आ ही जाते हैं। सो दैट इज यू विल बी फाइंडिंग मोर कॉमनली इन योर सराउंडिंग्स the angiosperms, okay, so angiosperms flowering hai, isme male female gametes ke structures ban gaye hain, anther hai, stamen hai, anther hai, stamen ke andar, aur us anther ke andar pollen sac hai, pollen sac ke andar pollen grains hai, pollen grains ke andar male gametes, theek hai, aise hi female hai, female structure that is a carpel, carpel ke andar there is an ovary, ovary ke andar there are ovules, ovules carry the female gamete that is the egg cell, theek hai, so ye sare features hamare angio ke hai along with root stem leaf, true root stem leaf आ गया, स्टील भी चलता जा रहा है, हेटरोस्पोरी चलता जा रहा है, सब कुछ है। ट्री जैसा जिम्नो में बना था, लेकिन अब एनजीओ में हर तरह का प्लांट आ गया, हर्ब, श्रब, ट्री, सब कुछ बन गया, ठीक है। बस वो फ्लावरिंग होना चाहिए, वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, क्लाइंबर हो सकता है, क्रीपर हो सकता है, बट वो फ्लावरिंग होना चाहिए। अगर वो फ्लावरिंग है तो वो एनजीओ, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट यूनिक फीचर। अगर यूनिक फीचर्स की बातें करेंगे तो एनजियोस्पर्म्स आर द वंस विद द फ्लावर्स, ठीक है, ऑल्सो विद द कवर्ड सीड्स, ठीक है, कवर्ड सीड्स आएंगे ना, क्योंकि उनके ओव्यूल्स में कवरिंग होता है, ओवरी वॉल नाम का, तो कवर्ड सीड्स हैं वो, उनके बिल्कुल यूनिक फीचर्स हैं। जिम्नो में कवरिंग नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, लेकिन है क्या उसका यूनिक फीचर, है क्या, तो दैट इज दे आर द प्रोडक्शन ऑफ द कोन्स। कोन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक यूनिक फीचर है जिम्नोस्पर्म्स के लिए। देन उसके बाद ट्रीडोफाइटा में अगर हम देखें तो कोन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रॉबिलस अवेलेबल हो सकते हैं, प्लस ऑल्सो ये स्टील और हेटरोस्पोरी इसके एक मेजर फीचर्स हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में राइजॉइड्स की डेवलपमेंट जो हुई, दैट वाज अ मेजर फीचर, एज वेल एज दे आर कॉल्ड एज अ एम्फीबियंस, सो दैट इज ऑल्सो यूनिक फीचर फॉर द ब्रायोफाइटा। ट्रीडो सॉरी थैलोफाइटा की बात करो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी नो डिफ्रेंसिएशन वाला थैलस अवेलेबल है, जिसमें ना स्टेम है, ना रूट है, ना लीफ, ठीक है, सो दैट इज थैलोफाइटा। फर्दर एंजियोस्पर्म्स डिविजन है एंजियोस्पर्मी, तो इनको फर्दर दो क्लासेस में बांटा गया, दैट इज द मोनोकॉटिलेडनी एंड डाइकॉटिलेडनी, ठीक है, मोनोकॉटिलेडनी एंड डाइकॉटिलेडनी, दैट इज अगेन द सुफिक्स जो मैंने आपको बोला, ठीक है। सो सुफिक्स होते हैं, यूज होते हैं, तो यहाँ पे मोनोकॉटिलेडनी एंड फॉर डाइकॉट्स इट इज डाइकॉटिलेडनी। सो दिस इज द फ्लावर्स की आगे फर्दर, सॉरी फ्लावर्स की नहीं, एक डिविजन एंजियोस्पर्मी की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन। Monocotyledony that carries the members which are having the single cotyledon in their seed, and the dicotyledony that has the two pods in their seed. The single cotyledon present in the monocot plants is called as, yes, what is the name given? Raise up your hands. What is the name given to the single cotyledon of the members of monocotyledony? The single cot, yes. सिंगल कॉटिलेडन में, मोनोकॉटिलेडन में सिंगल कॉट प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका नाम क्या है, व्हाट इज दैट नेम गिवन टू इट, अ स्पेशल नेम गिवन टू इट, रेज अप योर हैंड्स।
No answer? Huh? Beta, haven't you prepared for your this revision test? ये तो छोटा सा कंसेप्ट है, तो जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हो आप. Haven't you heard of the word scutellum? Scutellum. This is scutellum. Scutellum is a single coat of the monocot seeds. ठीक है, right? It is having a single embryo. Obviously, a single embryo is only present, but polyembryonic conditions are also there. Polyembryonic कब होता है? कि normally हम कहते हैं कि angiosperms में there is, आपने इसका life cycle भी पूरा पढ़ा है इस chapter में, तो life cycles I'll be discussing tomorrow में भी. Because today I have opened out some of the questions of assertion reason. We have time. We can consider those questions right now. Lesson है. तो मैं यहाँ पे बताती हूँ. हाँ, एक तो सिंगल हमारे पास क्या होता है कि एक सीड जो होता है उसके अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है. दैट इज अ नॉर्मल एंड बेस्ट कंडीशन अवेलेबल इन द प्लांट्स, है ना, ऐसा ही होता है ना. तो लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि कुछ एक स्पेशल एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे सिंगल ओवरी के अंदर बहुत सारी पॉलन ट्यूब्स इन्वेड कर जाती हैं और सारे मेल गैमेट्स आके फ्यूज कर जाते हैं बाकी सेल्स के साथ. नॉर्मली आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने लाइफ साइकिल भी पढ़ा है, मैंने इसका करवाया. तो लाइफ साइकिल में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि देयर इज वन मेल गैमेट फ्यूजिंग विद द एग सेल व्हिच इज कॉल्ड एज अ सिनगैमी. ठीक है, अनदर मेल गैमेट फ्यूजिंग विद द टू ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. सिर्फ यही दो प्रोसेस होते हैं ना नॉर्मल लाइफ साइकिल में, है ना. पर कुछ एक्सेप्शन होती है जहां पे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन भी आती है. ये एक्सेप्शन है, प्लांट्स के एक्सेप्शन है. पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होता है? पॉली मीन्स मल्टीपल, एम्ब्रियोनिक मीन्स एम्ब्रियोज. मल्टीपल एम्ब्रियोज विल बी क्रिएटेड एट वंस. हाउ? द अदर सेल्स लाइक सिनर्जिड्स हो गए, एंटीबॉडल्स हो गए, कईयों में और भी बहुत सारे सेल होते हैं, यही नहीं सिर्फ होता, लेटरल सेल्स भी होते हैं, साइडों पे भी होते हैं. तो वो सारे के सारे सेल्स जितने भी उस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट थे वो सारे सेल्स मेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन में अंडरगो कर जाते हैं. बहुत सारी पॉलन ट्यूब्स जो हैं वो इन्वेड कर जाती हैं एक ही ओव्यूल के अंदर और वो सारे मेल गैमेट्स जो रिलीज आउट हुए हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन दे देंगे, फ्यूजन दे देंगे, रिजल्टिंग इनटू द फॉल्स एम्ब्रियोज फॉर्मेशन. फॉल्स एम्ब्रियो बनेंगे जहां जहां पे भी वो फ्यूजन होगा वहां पे एम्ब्रियो जरूर बनेगा तो फॉल्स बनेगा. लेकिन वहां एक ट्रू एम्ब्रियो है. वो ट्रू एम्ब्रियो कौन सा है? जहां एक मेल गैमेट ने एक एग सेल के साथ फ्यूज किया, क्योंकि एग सेल तो एक ही है ना. ठीक है, वो वाला हमारे पास ट्रू एम्ब्रियो होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं. और एक ही सिर्फ पेन होगा, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि वो भी सिर्फ एक ही था आपके पास, पोलर सेल है ना, वो भी एक ही था. तो जो भी मर्जी मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज करे तो वो भी एक ही सेल में रिजल्ट करेगा, दैट इज पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हैविंग द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, सो ये कुछ कंडीशन हैं जो एनजीओस के साथ ही रिलेटेड है. पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस इज ऑल्सो देयर. यहाँ तो मैंने बोला ना कि मल्टीपल फ्यूजन हो जाती हैं. एपोमिक्सिस में क्या होता है? फ्यूजन होती नहीं. एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग, मिक्सिंग मीन्स फ्यूजन, है ना. तो एपो मीन्स विदाउट. विदाउट मिक्सिंग जब रिजल्ट आ जाते हैं हमारे पास, यानी कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन जाएगा, डिप्लॉयड सीड स्ट्रक्चर बन जाता है, वैसा ही सेम स्ट्रक्चर मिल जाता है, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती. फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. कई बार क्या होता है कि एग सेल जब डिवीजन हुई, जब एग सेल ने प्रिपेयर होना था उस टाइम पे वहां पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं आई, तो एग सेल ऑलरेडी डिप्लॉयड है, अब वो आगे फ्यूजन नहीं दिया उसने, तो विदाउट फ्यूजन इट हैज रिजल्टेड इन टू अ न्यू प्लांट, है ना, क्योंकि वो डिप्लॉयड ही चाहिए था ना. मेन क्या था? जायगोट डिप्लॉयड होना चाहिए जिसके अंदर क्लीवेजेस हो जाएंगे, तो वो क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन कर देता है. कई बार न्यूसेलिस के सेल्स जो होते हैं, न्यूसेलिस पता है ना आपको, लेयर अराउंड द एम्ब्रियो सैक, वो अपनी डेवलपमेंट दे देती है आगे फर्दर. ठीक है, तो दैट इज विदाउट मिक्सिंग. अगर फर्दर जनरेशन आ रहा है, दैट इज एम्ब्रियोज आर बीइंग क्रिएटेड विदाउट मिक्सिंग, देन दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस. यहाँ मिक्सिंग हुई नहीं, यहाँ पे मल्टीपल मिक्सिंग हो गई. नॉर्मल में एक ही मिक्सिंग होती है, एक ही फर्टिलाइजेशन, ट्रू एम्ब्रियो बनता है. ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द फीचर्स रिलेटेड टू इट. पार्थिनोकार्पी भी सुना होगा आपने. पार्थिनोकार्पी क्या होती है? पार्थिनोकार्पी, व्हाट इज दैट? दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन. नेचुरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज द बनाना. बनाना के अंदर सीड नहीं ना होता तो वो नेचुरली पार्थिनोकार्पिक है. वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस फ्रूट बना रहा है, दैट इज पार्थिनोकार्पिक. दिस कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड
विद द हेल्प ऑफ द फाइटो हॉर्मोन्स, मतलब प्लांट्स के हॉर्मोन्स अगर आप डाल दें तो इंड्यूस भी किया जा सकता है, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन के जो सीड्स है उनको कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। जो अपना क्या कहते हैं गुआवा है, क्योंकि हमें जहां जहां पे डिस्टर्बेंस फील होती है कि इतने सारे सीड्स खाने पड़ेंगे, पपाया है, तो वो वाले सीड्स में हम लोग रिडक्शन ला सकते हैं, दैट इज बाय इंड्यूसिंग द हॉर्मोन्स एंड दैट इज पार्थिनोकार्पी, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी से क्या होता है, इट इज विदाउट अंडरगोइंग द फ्यूजन द रिजल्टेंट इज द सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। सो ये कुछ नवी टर्म्स हैं, मे बी दे कैन बी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इनटू योर फाइनल्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑल्सो। हाँ जी, सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 दैट वी हैव फिनिश्ड द लास्ट वीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। यू विल बी रेजिंग योर हैंड्स और यू कैन सिंपली शो मी, रीड दीज इंस्ट्रक्शंस एबीसीडी। You can simply show the thumbs up for the true, thumbs down for the false, and then if it supports or not, or even you can raise up your hand to give me the answers. Okay, the options are same. ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताई थी flowchart से. Now coming to the question number 1, assertion: bacteria are prokaryotic. True or false? Yes. True, very good. Anjil, true, right. Very nice, very, very nice. Okay, next is, the reason is bacteria do not possess true nucleus and membrane bound cell organelles. Is it true? Anjil? Dia says yes. Ramanjit, yes. Anjali, yes. Vansh Kapoor, Ishnur, baki sab log. Yes, it is true because it does not possess any true nucleus. It is nucleoid and the membrane-bound cell organelles also. So that is the reason. And does it support also? Does it support also? Is it a correct explanation? Yes, it is a correct explanation. Right, Dia? So this is a correct explanation because they do not possess true nucleus. इसलिए वो prokaryotic in nature. Very right. So let us see the answer also. Yes, it's A. Good. Now coming to the second question. Assertion is bacterial photosynthesis occurs by utilizing wavelength longer than 700 nanometers. Anji. This is true. मैं आपको बताती हूँ. Photosynthesis में जो light आती है wavelength की वो 700 nanometers से ज्यादा. That is true. Okay. And here the reaction center. ये actually photosynthesis के relation में आ गया थोड़ा सा. So here the reaction center, is P890. That is also true, but the reason that is not supporting the thing. जो bacterial cells हैं उनमें ये support नहीं कर रहा है, क्योंकि reaction center ये है इसलिए वो इतनी wavelength की लेता है. ऐसा कुछ नहीं होता, reaction center और wavelength का relation नहीं होता. Simple जो भी wavelength से light fall करती है उसके हिसाब से reactions चल पड़ते हैं, ठीक है. हाँ, तो बैक्टीरिया यूटिलाइजेस द वेवलेंथ लॉन्गर देन 700 नैनोमीटर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द रिएक्शन सेंटर इज द सेम, दैट इज P890. द रिडक्टेंट इज NADH2 इन बैक्टीरिया, डोनर मे बी मैलेट और सक्सिनेट. ये चीजें जो हैं यहाँ पे लिखी हुई है आंसर में. यू विल बी रीडिंग दीज थिंग्स इन द चैप्टर फोटोसिंथेसिस ऑफ टर्म 2, ठीक है, नॉट नाउ, बट दैट इज ऑल्सो ओनली इन प्लांट्स, नॉट इन बैक्टीरिया. सो यू मस्ट कीप दिस इन माइंड. Sandfly transmits काला अजर. हाँ जी, अब ये आपने 9th में मेरे ख्याल से पढ़ा था. Sandfly transmits काला अजर, causes नहीं, transmitting. Yes, Ishnur is saying true. Yes, it is the sandfly only that which transmits the काला अजर. In काला अजर, the parasite damages the brain. Is it true? Ramanjit, Anjali, Shanoor and Dia, they are continuously giving me the answers. What about the others? You also please raise your hand. Yes, Aditi is also giving. Others also, Dia is saying no, it's false. Okay, rest. Japanpreet, Harman, Jacqueline, yes, Aditi, Diljit. Shanoor also says no, yes. काला अजर दैट डज नॉट डैमेज द ब्रेन. ओके, यहाँ ठीक है, assertion true है, reason false है.
Leishmania, that is the causal agent of this kala azar. Leishmania donovani, that causes the kala azar. The parasite is transmitted by sandfly. The parasite lives inside the cells of the liver, spleen, lymph glands, white blood cells, and inner wall cells of the blood capillaries. In sleeping sickness disease, the parasite damages the brain. Sleeping sickness may, which is caused by? Sleeping sickness is caused by, what is the causal agent there? Anyone who knows? Yes, Diya. What is the causal agent of the sleeping sickness? Trypanosoma. Trypanosoma, very good. That's right, correct. It's trypanosoma, trypanosoma. That is again a member of the protista. Okay, good, very right. Okay, so coming back to this next question, food. This is assertion. E. coli, Shigella, and Salmonella are all responsible for diarrheal diseases. है क्या ये साल्मोनेला इकोलाय शाइजेला ये है क्या एनीवन यस अदिति टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दीज आर द बैक्टीरिया यस ओके देन आर दे रिस्पांसिबल फॉर द डायरियल डिजीजेस यस मैम यस And the reason is true, dehydration is common to all type of diarrheal diseases and adequate supply of the fluids and electrolytes should be ensured. That's true? Yes, it's true. Diya, very good. Very quick to response, Diya, very nice. Anji? Anji, baki log kya lagta hai? Reason, true. Aditi says true. Ramanjit says true. Others, no answers. Very bad. Okay, is it the correct explanation also? Does this explain the first? Yes. Why? पहले में तो उसने causal agent बताए हैं सिर्फ कि ये चीजें responsible है diarrhea के लिए. दूसरे में बता रहा है कि ये precautions लेनी चाहिए. हाँ, रमन जी, it is not the correct explanation. B. ठीक है, it is not the correct. क्योंकि पहले में तो सिर्फ वो दे रहा है ना कि इन चीजों की वजह से होता है लेकिन बाद में उसने बोला दिस इज द डिहाइड्रेशन वगैरह में हमें ये करना चाहिए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स ये चीजें हमें इंश्योर करनी चाहिए सो ये चीजें थोड़ा सा देख के आगे के लिए पढ़िएगा अदरवाइज यू पीपल आर वेरी गुड टू आंसर दोज हु आर गिविंग द आंसर्स दे आर वेरी गुड टू गिव द आंसर्स फॉर दिस सेशन रीजन बट अदर्स ऑल्सो बी क्विक इन थिंकिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस सो टुमारो यू आर हैविंग दैट्स वेडनेसडे यू आर हैविंग योर रिविजन टेस्ट वन एंड द सिलेबस इज Along with this chapter, the first two chapters, that is the living world and the biological classification. We have done with all the revision. If you have any doubts, you can discuss tomorrow. And also we'll be discussing more of the questions tomorrow, right? Thank you so much. God bless you all.